स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल हेर आई कम विद अ वर्कशीट विच इज़ प्रोवाइडिड बाई द एजुकेशन डिपार्टमेंट टू टीचर्स टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स एज यू नो कि डेली में कोरोना केसेस वन लैख को क्रॉस कर गए हैं ऐसी सिचुएशन में स्कूल ओपन करना इज़ नॉट ए हेल्दी डिसीजन इसलिए आपके स्कूल्स को 31 जुलाई तक क्लोज़ कर दिया गया है आपकी छुट्टियां अनाउंस कर दी गई हैं और आज से पहले कभी भी इतने लंबे टाइम तक स्कूल्स कॉलेजेस बंद नहीं रहे हैं लेकिन ये एक बीमारी ही ऐसी है जिसका अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं है कोई मेडिशन नहीं है बस सावधानी ही इसका उपाय है आपको सावधानी बरतनी है आप घरों में रहिए सुरक्षित रहिए बाहर जितना हो सके कम निकलिए आई नो स्टूडेंट्स आप स्कूल्स को बहुत मिस कर रहे होंगे हम भी कर रहे हैं हम भी चाहते हैं कि स्कूल खुले और हम आप लोगों को एक क्लास रूम में बिठा कर हेल्दी स्टडी कराएं क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस इस तरह से वीडियो बनाकर आपको क्लासेस में या ऑडियोज़ के जरिए आपको लेसन समझाना इज़ नॉट अ हेल्दी मेथड बट वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस और आपकी स्टडीज़ का नुकसान भी नहीं होने देना चाहते तो कुछ ना कुछ तो हमें करना ही था इसलिए एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आपके लिए वर्कशीट्स बनाई हैं जिनके जरिए आपसे कनेक्ट किया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए आपके टीचर्स वो आपके साथ शेयर करेंगे ऐसे स्टूडेंट्स जो इकोनॉमिकली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जिनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है उन्हें ये शीट्स स्कूल में बुला करके बाई हैंड दी जाएंगी लेकिन स्टूडेंट्स मेन प्रॉब्लम ये हो गई है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो वर्कशीट्स आई हैं वो हिंदी मीडियम में हैं तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स काफ़ी फ़ेस कर रहे हैं उन्हें ट्रांसलेट करने में तो ये वीडियो आप लोगों की हेल्प के लिए है मैंने इन वर्कशीट्स को हिंदी में ट्रांस इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है और यही वही वर्कशीट्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्टूडेंट्स फर्स्ट वर्कशीट जो आपके लिए आई है वो फ्रेंच रिवोल्यूशन आपका हिस्ट्री का जो चैप्टर है उसे आई है उस वर्कशीट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगी फ्रांस का सो so, स्टार्ट करें एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवल्यूशन बर्बन डायनासिटी वज द रूलर एंड बर्बन डायनासिटी के जो रूलर्स थे पहले लुई फोर्टीन जिन्होंने सिक्सटीन फोर्टी थ्री टू सेवनटीन फिफ्टीन तक रूल किया है ये एक एब्सल्यूट डस्पोर्ट थे एब्सल्यूट डस्पोर्ट मीन्स निरंकुश शासक जो पूरी पावर को कंट्रोल करके रखता था इन्होंने पूरी पावर को सेंट्रलाइज करके अपने अपने हाथों में ले लिया था इन्होंने बहुत सारे वॉर्स फोर्ट किए थे जिसकी वजह से इकोनॉमिकली फ्रांस के अंदर क्राइसिस हुआ और फ्रांस के ऊपर बहुत बड़ा अडाप्ट हो गया उसके बाद किंग बने लुई फिफ्टीन सेवनटीन फिफ्टीन टू सेवनटीन सेवेंटी फोर इन्होंने उस डेप्ट को और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया क्योंकि कंटिन्यूसली सेवन ईयर्स तक इन्होंने वार को फोर्ट किया ये एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बिल्कुल भी नहीं थी अब बात करते हैं फ्रेंच रिवोल्यूशन की उस समय पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर जो रूलर थे वो थे लुई 16। ही रूल्ड ओवर फ्रांस टिल ट्वेंटी ईयर्स वेल इंटेंस्ड बट कुट ब्रिंक बोल्ड डिसीजन्स और बहुत ही जल्दी अपने डिसीजन से बैक थ्रो हो जाते थे मैरी एंटोट्स इन्होंने शादी की थी जो कि एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी ये बहुत ही बैड एडवाइजर थी और अपनी हेयर स्टाइल के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस थी When Louis सिक्सटींथ became the ruler of France in सेवनटीन he ही फाउंड हिस्ट्राजरी एम्पटी एंड he faced some financial crisis. इन्होंने थर्टीन अमेरिकन कॉलोनीस को फ्रीडम ब्रिटेन से फ्रीडम करने के लिए स्ट्रगल किया था इन्होंने वर्सेल्स के अंदर एक बहुत ही कोस्टली पैलेस बनवाया था जिसके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया था और इन्होंने उसके अंदर एक किंग्स कॉट बनवाया था जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था उसके साथ साथ जो जिन्होंने इन्होंने जो पैसे बोरो कर रखे थे तो जो बोरोवर थे वो हाई इंटरेस्ट रेट ले रहे थे जिसकी वजह से भी ये बिल्कुल ही फाइनेंशियली टूट गए थे तो फ्रेंच रिवोल्यूशन के टाइम पर फ्रांस के एम्प्टी ट्रेजरी के ये रीज़न थे आफ्टर दैट हम बात करते हैं वहाँ के सोशल ऑर्डर की जो सोसाइटी थी वो थ्री ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड थी जिसे हम इस्टेट्स कहते थे फर्स्ट इस्टेट के अंदर कलर्जी आते थे रोमन कलर्जीज सेकेंड इस्टेट में नॉबल्स आते थे और थर्ड इस्टेट के अंदर ब्यूरो सिटी वर्कर्स पीजेंट्स ये सब इंक्लूड होते थे जो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट कोई भी टैक्सेस पे नहीं करती थी उल्टा बर्थ बेस्ड यानी जन्म के आधार पर आधारित प्रिवलेज को इन्जॉय करती थी और ये थर्ड स्टेट के ऊपर टैक्सेस इम्पोज करती थी तो जितने भी टैक्सेज स्टेट या चर्चेस को दे दिए जाते थे वो थर्ड स्टेट देती थी इस कार्टून से आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि थर्ड स्टेट की क्या स्थिति थी तो फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड इनटू थ्री स्टेट। फर्स्ट स्टेट इंक्लूडिंग कलॉजीज सेकेंड स्टेट नॉबल्स एंड थर्ड स्टेट ब्यूरोक्रेसी सिटी वर्कर्स एंड पीजेंस अब बात करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस की ड्यूरिंग लेट एटीन सेंचुरी मैंने आपको बताया एम्प्टी ट्रेजरी मिली थी जब लुई सिक्सटी किंग बने थे तो उन्हें एम्प्टी ट्रेजरी मिली उन्हें टेन टू ट्वेल्व मिलियन लिब्रे का डैप्ट था फ्रेंस के ऊपर जो फार्मर्स थे वो टोटल पॉपुलेशन का नाइन्टी परसेंट थे लेकिन लैंड उनके पास नहीं थी लैंड को किसने ऑन करके रखा था नॉबल्स ने चर्च ने और जो अदर रिचर मेंबर थे थर्ड स्टेट के सिक्सटी परसेंट लैंड उनके कंट्रोल में थी और पीजेंट्स उनकी लैंड पर फार्मिंग करते थे जो मेंबर्स थे फर्स्ट टू स्टेट के दैट इज चर्च एंड नॉबल्स डिड नॉट पे एनी टाइप ऑफ टैक्सेस and even हैड सर्टेन privileges by birth बेस्ड and these were exemptions from पेइंग टैक्सेस टू the स्टेट जिससे जो थर्ड स्टेट थी वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो गई थी और वहाँ पर रिवोल्यूशन्स के बहुत सारे रीजन्स थे मैंने फ्रेंच रिवोल्यूशन के ऊपर पूरा वीडियोस डिफ्र छोटे छोटे पार्ट्स में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है आप चाहें तो उस वीडियो को एक बार विज़िट कर सकते हैं जिससे आपको पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे उसके बाद रीज़न था फ़ूड ग्रेन का क्योंकि जो फ़ूड ग्रेन था वो पॉपुलेशन की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई थी उनकी रीच से बाहर हो गया था मींस उनको अवेलेबल नहीं हो पा रहा था जिसकी वजह से जो ब्रेड के प्राइस थे वो इंक्रीज हो गए और लास्ट बट नॉट द लेस्ट रीज़न इज़ सब्सिस्टेंस क्राइस सब्सिस्टेंस क्राइस क्या होता है एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपको सर्वाइवल को ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है यानी आप जीवित ही नहीं रह पाते हो ऐसी स्थिति बन जाती है अब ये सबसिस्टेंस क्राइसिस हुआ क्यों बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई थी और उस इंक्रीज होती हुई पॉपुलेशन की डिमांड जो थी वो फूड ग्रेन थी लेबर्स जो थे वो बहुत ही लेस और फिक्स्ड वेजेस पे काम करते थे उस समय पर हार्वेस्ट भी अच्छी नहीं हुई थी जिसकी वजह से फूड ग्रेन्स की कमी हो गई और जो खाने के प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जिससे पुअर पीपल उनको ख़रीदने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे जिससे खाने को लेकर दंगे राइट्स होने स्टार्ट हो गई और वुमन्स ने बेकरी शॉप्स पे अटैक करना शुरू कर दिया क्योंकि इतनी लंबी लंबी क्यूज़ में वो उनको घंटे खड़ा रहना पड़ता था और उसके बाद श्योरिटी भी नहीं थी कि उन्हें ब्रेड मिलेगी या नहीं तो दिस इज दब्सिस्टेंस क्राइस आई होप आपको सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे

विच इस्टेट बिलोंग टू क्लर्जिज क्लर्जिज या चर्च किस स्टेट से बिलोंग करते थे दैट दैट वॉज फर्स्ट इस्टेट थर्ड क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ फ्रांस इंजॉयड बोर्थ बेस्ड प्रिवलेज तो फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही इस्टेट जो हैं वो इंजॉय करती थी कोई भी टैक्सेज पे नहीं करती थी वाई द ट्रेजरी ऑफ फ्रांस बिकेम एम्पटी फ्रांस का जो ट्रेजर था जो खजाना था वो एम क्यों था ये मैंने आपको अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ओके लास्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ टैक्स सिस्टम वाज देयर एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन इज इट द सेम इवन टुडे? एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स जिस तरह का जो टैक्स सिस्टम था वो फ्रेंच रिवोल्यूशन के टाइम था क्या वो आज भी वैसा ही है आपको अपने आंसर्स को सपोर्ट करने के लिए एग्जांपल्स भी देने होंगे हेर यू कैन सी द वर्कशीट्स शीट्स विच इज़ सेंड बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट इसी को मैंने कम्प्लीटली ट्रांसलेट किया है आपको इंग्लिश में इसके साथ साथ कुछ जो इसके अंदर टॉपिक्स पूछे गए हैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आई होप यह आपको हेल्प करेगी आपकी स्टडीज़ के अंदर आपको इस वर्कशीट को शॉर्ट आउट करने में इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन शेयर विद योर फ्रेंड्स सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फोगेट टू प्रेस द बेल बटन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियो स्टे सेफ स्टे हेल्दी स्टे होम